जैसे उसकी चमड़ी के ऊपर एक जलन की तरह आग लगती है, एक ऐसी प्रॉब्लम है राइट नाउ। जो भी कोई मेरी बहन के जैसे तेरी चमड़ी के ऊपर एक आग की तरह एक जलन होती है, जलन। अगर आप यहाँ पे हो तो अपने आगे आना। मैंने कहा आप यहाँ पे तो आगे आना है। तेरी पूरी चमड़ी के ऊपर जलन कैसे होती है, ये क्या हुआ है? देखना देखो इसका हाल क्या हुआ है। ये पूरी पूरी इसकी टांगों पर भी दिखाओ, टांगा दिखाओ ये देखो, दूसरी भी दिखाओ। थोड़ा सा पेट दिखाओ, पेट पे भी थोड़ा सा पेट दिखाओ, देखो थोड़ा, कोई बात नहीं शर्माना। देखो पेट पूरा, पूरा देखो, ये पूरी देखो क्या हाल हुआ। आपने मेरे से बात की कि आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, तो आपके लिए किसने बताया? हालेलुया। इस बेटी का नाम खुशप्रीत कौर है और जे प्रतापपुर के रहने वाले और इनके साथ इनके मदर है। और इस बेटी की गवाही जे बता रहे कि 10 दिन हो गए थे इसको फीवर की प्रॉब्लम थी, और जिसके कारण इसके पूरी बॉडी पर ही छोटे छोटे रेड कलर के दाने हो गए थे, और जिसके कारण वो रेशे से भर जाते थे, और जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे। और जे बता रहे हैं कि इसके कारण इसके पूरे पेट में इतनी जलन होती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उस जलन के कारण जे परेशान थे। जे बता रहे हैं कि रात के समय इस बेटी का मन करता था कि ये नहाने का, कि बार बार जे नहाए, क्योंकि इतनी जलन इतनी आग लगती थी इसके पेट में। और जे बता रहे हैं कि इसके कारण इसको कपड़े पहनने में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। जे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस जलन के कारण जे बेटी रोती भी थी। और इसके मदर बताते कि इसके कान जे भी काफ़ी परेशान हो जाते थे, क्योंकि रात के समय इसको नींद नहीं आती थी। और जे बता रहे हैं कि मेडिसिन भी दी, पर उससे भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और स्कूल जाने में भी इसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसके प्रॉब्लम के कारण इसके पूरे फेस, इसके टांगों, इसके पेट के ऊपर ही जो रेड दाने हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा रेड दाने थे। बहुत ही भयानक जलन होती थी इस बेटी को, जिसके कारण जी बहुत परेशान हो चुकी थी। पर जैसे इन्होंने संडे की मीटिंग को अटेंड किया, तो जब परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड आया कि जिनके पेट के चमड़ी के ऊपर प्रॉब्लम है, दाने की प्रॉब्लम है, जलन होती है, पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। आप देखोगे मैं एक सिस्टर को देखता हूं, जैसे पेट में जलन होती है, उसकी स्किन में पेट की जैसे एक जलन है, जैसे पेट में जलन होती है, जैसे उसकी चमड़ी के ऊपर एक जलन की तरह आग लगती है, एक ऐसी प्रॉब्लम है राइट नाउ। जो भी कोई मेरी बहन के जैसे तेरी चमड़ी के ऊपर एक आग की तरह एक जलन होती है, जलन। अगर आप यहाँ पे हो तो अपने आगे आना है। मैंने कहा आप यहाँ पे तो आगे आना है। और जब बता रहे कि जैसे उस दिन जब मीटिंग में आए थे, और जब इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया, उसी समय जो आगे आए, तो इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड हुई। अभी हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। तेरी पूरी चमड़ी के ऊपर जलन कैसे होती है, ये क्या हुआ तेरे? ये देखो, ये पूरी चमड़ी के ऊपर ऐसा और जलन होती है पूरी, जैसे देखो परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, अगर आप सीरियस हो खुदा के साथ, मैंने कहा अगर आप सीरियस हो खुदा के साथ, तो आप ऐसे ही चमत्कारों को, ऐसे प्रोफेटिक को हर संडे सुनते हो। ये देखो इसकी हालत क्या हुई, बोलो क्या तो इसकी हालत देखो क्या हुई भाई। इसलिए जो जिंदा खुदा जो है
जो आने वाला है, जो हमारे बीच भी है। तारीफ कर दो उसके नाम की जोर से, जोर से। यस खुदा, जो तूने मुझे अपना वचन दिया है, यस खुदा, तेरी सामर्थ से इस अंधकार की, पाप की, इस दुष्टता की बीमारी को मैं ठांडता हूं खुदावंत, तेरे जीवित नाम से। टच, चल शैतान इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसके स्किन से राइट नाउ उखड़। टच टच टच, यस खुदा, मैं आजाद घोषित करता हूं खुदावंत राइट नाउ। आज से ये पाप की बीमारी, ये पाप का रोग, ये दुष्टता की चीज, खुदा तेरी जीवन शक्ति से आज से खुदा इसकी बॉडी से राइट नाउ खुदावंत पूरी तरह से, ये पूरी तरह से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यस आमीन। देखना देखो इसका हाल क्या हुआ है, ये पूरी पूरी इसके टांगों पर भी है। दिखाओ टांगे, दिखाओ अपनी, दिखाओ दिखाओ, ये देखो दूसरी भी दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा पेट दिखाओ, पेट पे भी है, थोड़ा सा पेट दिखाओ और देखो थोड़ा थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, शर्माना। हाँ देखो पेट पे पूरा, हाँ पूरा पूरा, पूरा नीचे विशेष पीछे दिखाओ और देखो ये पूरी, देखो क्या हाल हुआ पेरा। के लिए ले हंडोई उसी दिन ही जब तारे के प्रभु के ग्रेस ने इनको छुआ, जो 10 दिन से फीवर था और फीवर से भी परमेश्वर ने इसको फ्री किया, और जो बॉडी पर रेड दाने हो गए थे और जिसके कारण इसको जलन होती थी, जब तारे के उस दिन से इसको फर्क पड़ना शुरू हो गया और 3 दिन में पूरी तरह से जो दाने सूख गए और पूरी तरह से आज ये आजाद हो चुके। इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते। हम सब जोर से अपने हाथों को उठाते तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो जीवित खुदा जो डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस से हमारे बीच है? कितने विश्वास करते कि आज भी वो खुदावंद मुझे मेरे रोग से, मेरी बीमारी से वो चंगा करने की ताकत रखता है? कितने विश्वास करते हैं? अरे इस बच्चे की हालत देखना बोलो क्या है इसकी हालत? अभी अपने वीडियो में देखा ना, कितने बड़े बड़े मोटे ऐसे वो रेड कलर के दाने जिनमें रेशा भर जाता था, और इतनी झलन होती थी, बोलो क्या थी, इतनी झलन होती थी कि इसका दिल करता था बार बार नहाने को, पर नहाए तो और भी खराब हो गए क्योंकि स्किन का रोग है। बोलो क्या है, ये इतनी परेशान थी, पूरी रात सो नहीं पाती, बोलो क्या थे। आपने मुझसे बात की थी कि हमें ये प्रॉब्लम है, हाँ नहीं, इनकी मम्मा को दे दो ना, कोई बात नहीं। आपने मेरे से बात की कि आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है जी? नहीं। तो आपके लिए किसने बताया फिर? परमेश्वर ने। बोलो क्या है? वो जिंदा खुदा जो आपकी मन की गूढ़ बातों को भी जानता है। आपके मन में क्या है किसे पता है? इन्होंने मेरे से बात तो नहीं की, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको पता चले, ऐसा ना हो कि ये प्रोफेटिक ऐसे हैं कि हाँ इन्होंने बात की, हाँ बोलो क्या है, तो ये इसलिए ऐसा हुआ है, बोलो क्या है, इसलिए ऐसा बोला है, इसलिए मैं आपके सामने इनसे पूछ रहा हूं, क्योंकि वो परमेश्वर जो मन की गूढ़ बातों को जानता, वो अंधेरे की बातों को रोशनी में प्रकट करता है, और उसने प्रकट की। ये कितने दिन से थी ये ऐसे प्रॉब्लम? एक हफ्ते से ये परेशान थी, मेडिसिन खाई पर कोई आराम नहीं मिला, और जैसे खुदा ने इन्हें उस दिन स्वर्ग से वर्ड दिया, ये आगे आए, ले हैंड हुई, और 3 दिन में ही ये पूरे सारे दाने सूख गए। अब कोई जलन तो नहीं है, हैं बच्चे? उसको बच्चे को दो,
अब बेटी कोई जलन तो नहीं है बॉडी पे? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? दिखाओ वो सारे अंग जहाँ पे वो प्रॉब्लम थी। हाँ, सबसे पहले ये बाजू दिखाओ अपनी कोने की, झूम करो दिखाओ। हाँ, दे देखो, ये बिल्कुल सूख चुके हैं और साफ है, हल्के से निशान है। ये उस दिन पूरे रेशे से भरे थे, अभी सूख गए, हल्के से निशान है। अभी अपनी टांगे दिखाओ, झूम करो। हाँ, दूसरी दिखाओ। हाँ, हल्के से निशान है। अब पेट दिखाओ। हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, झूम करो। खा, ठीक है। अब पीठ दिखाओ, बैक से दिखाओ। ये देखो, उस दिन इसकी पीठ का क्या हाल था और आज बिल्कुल एकदम से साफ है, कोई दाना नहीं, कोई जलन नहीं, कोई खारिश नहीं। खुदा ने अपने ब्लड से, अपने वर्ड से इसे धोकर रख दिया और आज बिल्कुल भली चंगी और आपके सामने है। और जीवित खुदा की चोर से तारीफ करो, खड़े होकर तारीफ करो, ये बड़ी गवाही है। खड़े होकर खुशी से, खुशी से जोर से नाचते हुए अपनी गवाही के लिए नाचते हुए। तो झूठा है मेरा खुदा, तेरों की चंगे हो।